देखिए। देखिए यार, मानता हूँ बिजनेस में हम दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, पर कॉम्पिटिशन भी हेल्दी होना चाहिए ना। दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। दोस्ती तो है ही, पर कॉम्पिटिशन अपनी जगह, जैसे बचपन में होता था हम दोनों के बीच। राइट। और बधाई हो सेठ शादी के लिए, अब फाइनली मेरा बचपन का दोस्त घोड़ी चढ़ गया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा बाबूजी, ये यहाँ पर आया कैसे और आप लोग इसे एंटरटेन क्यों कर रहे हैं? बेटा तेने भी तो जाके पिताजी से हाथ मिलाया हो, आज वो आएगा बधाई देने के लिए। रिश्ते निभाओगे तो बहुत आगे जाओगे बेटा आदित्य। जी हाँ, कंपटीशन तो जारी रहेगा, एंड यू नो जीत किसकी होगी। सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि बिजनेस में तू फर्स्ट स्टैंडर्ड में और मेरा ग्रेजुएशन हो गया। आप लोगों का नाश्ता लग गया है, आ जाइए। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। दादाजी माफ करिएगा, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट काम आ गया, मुझे निकलना पड़ेगा। आप सब एंजॉय करिए और हैप्पी मैरिड लाइफ डूड। थैंक यू। मुझे पता है ये घटिया हरकत किसने की है। किसने? चाची ने। और आप ये बात सबके सामने कहना चाहते हैं? मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जो हुआ सबके सामने हुआ, तो सच सबके सामने क्यों नहीं कह सकता मैं? आप किसी से भी कुछ भी नहीं कहेंगे। Enough, मुझे जाने दो। परिवार की नाराजगी मिठाई से है, उनका तरीका गलत है। अरे सच को सामने लाकर आप नाराजगी की दीवार को और मजबूत कर देंगे, फिर इस घर में सिर्फ दीवारें ही होंगी सिद्धार्थ जी। एक तरफ हम और दूसरी तरफ वो। तो तुम्हारे हिसाब से चुप रहने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और बड़ी होती जाएगी, इतनी बड़ी कि सॉल्यूशन नजर नहीं आएगा। लिसन, प्रॉब्लम छोटी हो तभी सॉल्व कर देनी चाहिए। आज दादू को पता चलेगा, फिर वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अगर धक्के मार के बाहर निकाल दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ये हुई ना बात, अब लग रही है ना चौबे खानदान की बहू। अब देर नहीं हो रही? हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अभिषेक भी आया, मिले तो? अभी नहीं, वहाँ पे वहाँ। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सिर्फ क्यों नहीं आया अभी तक? नहीं, उस आलू जलेबी ने रोक तो नहीं लिया? कॉल करती हूँ। वो दादू और उनकी वो मिठाई। तुम किसकी राह देख रही है? आपने ही बुलाया था ना, भूल गई? अकेले नहीं आएंगे वो। आपने कहा था ना कि पत्नी के साथ आना। Many many happy returns of the day. Thank you, sir.
I'll come back. Excuse me. Touch wood. 15 साल की दोस्ती है. I wish friendship से आगे बात बढ़ती. अरे मुझे मैसेज आया कि सिड की शादी हो गई. फिर मैंने अपेक्षा को कॉल किया, तब पता चली ये शॉकिंग न्यूज. मेरा तो ड्रीम ही यही था, बट सिड की कहानी ने ही ट्विस्ट ले लिया. फिल्म में जैसे इंटरवल में शॉकिंग ट्विस्ट आता है, वैसे बस शादी हो गई. बाय द वे, कोर्ट में मिठाई गुसाई भाभी के बयान ने तो हंगामा खड़ा कर दिया था. मैंने न्यूज में देखा. प्यार और शादी का तो मतलब ही है कि मुश्किल में एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े होना. मिठाई ने वही किया जो सही था. एक स्मॉल टाउन की लड़की की ऐसी हिम्मत देखकर मैं तो दंग रह गया. सल्यूट है भाभी जी. ये गवार ने मुझे कितनी जोर से धक्का मारा. धक्का दिया? मिठाई ने तो बस आपको अपने से दूर किया. खराब मतलब फूल कुमारी तो लगते नहीं कि ऐसे छूने से गिर जाएंगे. तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? देख रहे हो तुम लोग, मैंने तो सिडकी भाई से सिर्फ रिक्वेस्ट की थी. अब क्या हुआ? और इसने मुझे इतनी जोर से धक्का मारा. मिठाई, तुम सिडकी वाइफ नहीं होती और अपेक्षा ने तुम्हें इन्वाइट नहीं किया होता ना, तब इस धक्के का बदला लेता मैं. लेकिन मैं तुम्हारी तरह सड़क छाप नहीं हूँ. छोड़ राजीव, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए. औकात नहीं है इसकी इस पार्टी में आने की और इस क्लास के साथ खड़े रहने की. पार्टी में स्वीट फाइट कर रही है सिड की वाइफ. मुझे तो शर्म आ रही है. कोई बताएगा हो क्या रहा है? देख सिड, तेरी वाइफ ने क्या सीन क्रिएट कर दिया. मैनस नहीं है इस लड़की में. तब से हम सबकी इंसल्ट कर रही है. किसी को कहती है बाप की कमाई पे जीते हो, किसी को कहती है छोटी सोच है तुम्हारी. क्या सोच के तूने इसे अपनी वाइफ बनाया? कम ऑन फ्रेंड्स, वो स्टूपिड है. तुम तो समझदार हो ना. Let's forget this. और सिड हमारा फ्रेंड है, ऐसा कुछ भी मत बोलो कि वो हर्ट हो. और हम, हमारी फीलिंग्स फीलिंग्स नहीं है. और जॉयस ने किया आज मिला. ये मेरी पत्नी है. अगर तुम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो. इसकी इंसल्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं. तुझे दिख नहीं रहा है क्या सिड, हमारे सर्कल में ऐसी छठी पास गवार लड़की. वो कौन है, क्या करती है और क्या कर सकती है ये मैं जानता हूं. उस पर कॉमेंट करने का या उसे जज करने का तुम्हें कोई हक नहीं. ओके ओके सिड, रिलैक्स. माना कि हम लोगों से बातचीत में कोई भूल हुई हो, लेकिन किसी को इस तरीके से पार्टी में धक्का देना. देख राजीव को, ये कहां के संस्कार है और ये हमें लेक्चर दे रही है संस्कार पे. आप झूठ बोल रहे हैं. मिठाई ने इन्हें रोकने की कोशिश की. मिठाई ने तो बस हल्के हाथों से दूर किया है इन्हें. इतने जोर से धक्का नहीं मारा. खराब फटाई, तुमने जो किया वो गलत है. सॉरी बोलो उससे. पर जब मिठाई की कोई गलती नहीं है तो. मिठाई, मैंने कहा सॉरी बोलो. सॉरी बोलने में क्या प्रॉब्लम है? मिठाई, एक मिनट अंदर चलो. घटिया सोच, घटिया चाले. चलिए मान लिया कि आपकी दुश्मनी मिठाई से है, पर मिठाई के पति तो आपके दोस्त है ना, प्यार करते हैं ना आप उनसे. ये कैसा प्यार है कि आप अपने ही दोस्त को, अपने ही प्यार को इस केस में फंसा रही है. शट अप. ना मैंने कोई खेल खेला, ना सिड को फंसाया और ना ही कैमरा लगाया, क्योंकि सिड को कुछ नजर ही नहीं आया. अब तुम चीखो चिल्लाओ जो करना है करो. सिड तो यही कहेगा कि तुम झूठी हो. मैंने सच झूठ की लड़ाई में मिठाई बहुत पहले ही उतर चुकी है. अब आप भी आई है मैदान में. गोपाल की कसम, मिठाई हर झूठ को सामने लेकर आएगी. बहुत खेल चुके हैं आप सिद्धार्थ जी के साथ, लेकिन अब और खेल नहीं खेल पाएंगे. तमाशा. आप मिठाई पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मिठाई सच कह रही है. आपके फ्रेंड लोग बार बार मिठाई को उकसा रहे थे, तब आप नहीं थे. जानबूझ के मिठाई का अपमान कर रहे थे गोपाल के. बस तुम्हारे साथ रहने से अच्छा होता कि मैं जेल चला जाता. कब से देख रही है मिठाई? आप मिठाई को कुछ बोलने का मौका नहीं. मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी. तुम कुत्ता है मेरे रिश्ते में. बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं. जबरदस्ती की वाइफ बनी बैठी हो. नहीं चाहिए मुझे ये रिश्ता.
डुबोते सब कुछ जानते हुए भी आप ऐसी बात क्यों करते हैं? आप मुझे वहाँ लेके गए और वहाँ तो जैसे मिठाई को सिर्फ बेइज्जत करने के लिए बुलाया गया था। आपने देखा नहीं, आपकी फ्रेंड आते ही गुलदस्ता मेरे हाथ में थमा के खुद आपका हाथ थाम के चली गई। ये वाइफ जैसा हक जताना बंद करो प्लीज। तुम जानती हो हमारी शादी सिर्फ नाम की शादी है। आपके लिए होगा, मिठाई के लिए नहीं। मिठाई ने जो भी किया दादू को जेल। दादो दादो दादो, बार बार दादो का नाम बीच में लाकर मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। आज उसने पूरा बर्थडे स्पॉइल कर दिया दादो। मेरे दोस्त से लड़ने लगी, उसको इतनी तेज धक्का दिया कि वो गिर गया। समझती क्या है खुद को, पार्टी है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है। बेटा ऐसा ना है कि तू ही सिर्फ पा के साथ जीने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो भी तेरे साथ एडजस्ट कर रही है। और बेटा समझदारी जाहिर में है कि दोनों एक दूसरे को साथ दो। क्यों क्यों दो में उसका साथ? हेलो, हाँ अपेक्षा, तू रो क्यों रही है, क्या हुआ? मेरा बर्थडे पार्टी सब स्पॉइल हो गया। तो गया, पर सारे फ्रेंड्स गुस्से में चले गए, एकदम अकेली पड़ गई मैं। अपेक्षा तू रो मत, बर्थडे के दिन कौन रोना चाहता है, पर मैं क्या करूं? मन तो कर रहा है कार निकाल के लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ बिल्कुल फुल स्पीड में। नो अपेक्षा, नो तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, रुक मैं भी आता हूँ तेरे पास। मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी रुला दी आपकी मिठाई ने। Nonsense. एक बात में तो अपने बाप पे गया है। यही सही वक्त अपेक्षा, प्लान फेल नहीं हुआ है, सब कुछ वैसा ही हो। कहाँ भटक गए थे कदम आज, इतनी देर रात कहाँ से आ रहे हमारे युवराज सिद्धार्थ? कुछ ऐसा तो नहीं किया ना कि हमें संभालना पड़े? आप लोग संभालेंगे? रियली? कैसे संभालेंगे? पॉइजन, खुजली पाउडर या और कोई नया तरीका? आपके पास तो हो गई, छिड़क दीजिए मुझ पर, समझ जाऊंगा मैं। मैंने कहा ना जो हुआ मिठाई के साथ। शट अप, जस्ट शट अप। मुझे मेरी डियर फैमिली से बात करने दो। हाँ तो माई डियर फैमिली, ऐसी गलत और घटी हरकतें सोचते कैसे हैं आप? प्लीज बताइए कहाँ से आपको आते हैं गलत आइडिया। सिद्धार्थ, बड़ों से कैसे बात करते हैं ये भी? बड़े ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि छोटों के सर झुक जाए। ये लड़की जिसे आप फेरी वाली और ना जाने क्या क्या कहकर जलील करते हैं, इसने मुझे सच कहने से रोका। पर मैं सिद्धार्थ चौबे, ग्रैंडसन ऑफ दादो, सच कहने से नहीं डरता। अच्छा हुआ आप लोगों ने ऐसी हरकतें की, अब मैं किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। बात को अधूरा छोड़ के कहां जा रहे हो प्रिंस सिद्धार्थ? सच कहने का बहुत शौक है ना, तो सुनो अब सच। क्या सच कहने का ठेका सिर्फ तुमने और फेरी वाली ने ले रखा है? ये है सच, ताजा ताजा और ब्रेकिंग न्यूज भी। फंस चुका हूँ मैं झूठमूठ की शादी में। मैंने जी कोर्ट में बताया था ना, सिर्फ दादू को बचाने के लिए शादी की है मैंने मिठाई से। और कितना बर्दाश्त करूं मैं उस लड़की को दादू के लिए, दादू और इंदु आंटी। अपेक्षा, मेरी लाइफ हेल बन चुकी है उस लड़की के साथ। उसके साथ एक कमरे में रहने से अच्छा तो मैं जेल चला जाता। मैं थक गया हूं ये ढोंग कर करके। आई जस्ट हेट हर। आपने रिकॉर्ड कराई ये बातचीत? हाँ, अपने एक दोस्त की मदद से रिकॉर्ड करवाया मैंने। क्यों, नहीं करवानी चाहिए थी? तुमने भी तो बाबूजी के साथ मिलकर झूठ मूठ की शादी रची थी,
तब आए थे मुझसे पूछते? तुम्हारी शादी का सच सबके सामने आ गया सिद्धार्थ। अगर ये सबूत कोर्ट के सामने आ गया फिर क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं सिद्धार्थ। थैंक्स अपेक्षा। अंकल कहीं से मुझ पे तो शक नहीं करने लगेगा? नहीं, मैंने तुम्हारा नाम आने ही नहीं दिया। मैंने जो किया आपकी हेल्प के लिए किया, क्योंकि आपके साथ गलत हो रहा था। हम सब जानते हैं कि उस बिजनेस पे सबसे पहला हक आपका है। और फिर कहाँ मैनेज कर सकता है स्वीट बिजनेस को? वो जलेबी वाली सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेती। मुझे बस आपको और सिद्ध को उस लड़की से बचाना था, इसलिए। हाँ, मैं जानता हूँ ये बात अपेक्षा, पर मेरे बेटे की शादी उस सड़क छाप लड़की से कैसे हो सकती है? उसकी औकात सिद्धार्थ के जूते साफ करने तक की नहीं है। सिद्धार्थ के लिए तुम परफेक्ट हो अपेक्षा। मैं कराऊंगा तुम दोनों की शादी। पर अंकल सिद्ध अग्री होगा ना? उसके पास चॉइस नहीं है, वो अपने दादों के लिए कुछ भी कर सकता है। अरे जब उस मिठाई से शादी कर सकता है तो फिर तुमसे क्यों नहीं? बस कल की सुबह का इंतजार करो तुम। गुड नाइट। सिद्धार्थ नीचे आओ। दादू, सब मेरी वजह से हुआ है, माफी मांगू भी तो कैसे? गलती को एहसास होना अच्छी बात है, पर तेरी जा गलती की हमें भी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिद्धार्थ बातें बाद में कर लेना, पहले आकर दस्तखत करो। ये डीड हमें 3 बजे तक रजिस्टर करवानी है। चलो कम ऑन फास्ट। दत्तू, आप उन्हें रोक क्यों नहीं रहे? बेटा तीर चल चुका है। वकील साहब, हाँ ये लीजिए पेन। किसन पर मिठाई का 8 GB वाला दिमाग ये कह रहा है कि बिना पढ़े किसी भी कागज पर दस्तखत नहीं करना चाहिए। सिद्धार्थ पढ़ने का टाइम नहीं है, साइन करो। जल्दी करो प्लीज। वकील साहब जी, डीड रजिस्टर करवा लीजिए। जी ये मैं करवा दूंगा। चलता हूं मैं। सिद्धार्थ, अभी सिर्फ एक शर्त पूरी हुई है। सर, आपके पेपर साइन करते हैं मैंने। दोबारा से मुझे सर मत कहना। सॉरी पापा। दूसरी शर्त, तुम उस फेरी वाली को, उसकी माँ को उस घर से बाहर निकालोगे। जबरदस्ती बेटा से पापा कहलवाए हुए से न तो बेटा को प्यार मिलेगा और न ही पिता को सम्मान। बाबू जी, मतभेद तो हमारा भी आपके साथ है, पर मैंने तो आपको कभी सर नहीं कहा और ना ही आपने कभी मेरे बेटे को यह कहा कि उसका पिता से बात करने का तरीका गलत है। अब गलत को सही तो मैं करूंगा ही, चाहे मेरा तरीका गलत ही क्यों ना। सिद्धार्थ, निकालो इसे घर से बाहर। पैसों की भाषा ही समझते हैं और परिवार को जोड़ने के लिए मिठाई को उनसे ज्यादा पैसे कमाने होंगे। गोपाल, तुम तो मिठाई के बिजनेस पार्टनर हो ना, तो तुम ही बताओ कि मिठाई अपने बिजनेस को इतना बड़ा कैसे करेगी?
गोपाल, अब मथुरा की गलियों में एक नहीं बहुत सारी मुनिया नजर आएगी। जय गोपाल। दद्दू, गोपाल मिठाई की हेल्प करने में देर नहीं करते। वो कैसे बता बेटा? सदैव भक्तों के काम साधे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो यह जब अकेली मुनि पे सवार होकर जाती है तो कभी दिन के 500 कमाती है तो कभी 1000। पर सोचिए, अगर एक मुनि को 10 और मुनियाँ मिल जाए तो आपको वो लड़की याद है जो एक दिन मिठाई के साथ आई थी मिठाइयाँ बेचने और हमने घर घर जाके जलेबी बांटी थी? तो अब सोचे कि एक की जगह 10 और 10 की जगह 100 मुनिया सड़कों पे उतरेंगी तो? बेटा, गोपाल जी को इशारों समझने की ताकत है तो मैं, और मैं तेरे साथ हूँ बेटा। ले। अरे आप पहले आइडिया तो सुनिए, मिठाई की आलू जलेबिया और दद्दू के मालपुए घर घर में पहुँचाएगी मिठाई। ये मुन्नी पे, सिर्फ एक मुन्नी पे नहीं, 100 और फिर 1000 मुनिया हो तो हमारा बिजनेस बहुत जल्दी फैल जाएगा, वो भी कोई भी दुकानें खोले बिना। पर हम में से कोई आप जितने पढ़े लिखे नहीं है ना, तो आप मिलाएंगे हाथ? ये पेपर्स भिजवाए हैं सर, इस पर दस्तखत कर दो। मिठाई का दस्तखत? सर के ऑर्डर से कि अब हमारा तलाक हो जाए, वरना वो दादू को जेल भेज देंगे। प्लीज इस पर साइन कर दो। तलाक? बस एक घंटा बचा है मिठाई, इस पर साइन कर दो। दादू के साथ कुछ और गलत होते हुए नहीं देख पाऊंगा मैं, सर ने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। मिठाई तो आपके पास परिवार को जोड़ने का सपना लेके आए थे, पर आपको मिठाई समझो, ये वक्त तुम्हारे आइडिया सुनने का नहीं है। ये दिन के 2-2.5 हजार रूपए कमा कर तुम हरिमोहन स्वीट्स की टक्कर ले लोगे? उनके रोज का टर्नओवर पता है 5 लाख रूपए। दादू के पास जो कुछ बचा है वो भी डूब जाएगा। मिठाई, क्यों क्यों एक और नई प्रॉब्लम खड़ी करना चाहती हो? भरोसा रखिए दादू को। मिठाई साइन करो, बस 10 मिनट है, वरना सर कोर्ट पहुंच जाएंगे और फिर हम तीनों जेल में सपने देखेंगे, ये तुम्हारे बिजनेस के। मिठाई साइन करो। Thank you.
की कस्टडी में रहेगा। जब इस्तेमाल करने का वक्त आएगा करूंगा। आपने जो कहा मैंने कर दिया, कम से कम अब तो दादू और दादी को घर बुला लीजिए। मैंने उन्हें कभी नहीं कहा घर से जाने को। यूनी का घर है, जब मर्जी हो आ जाए। बल्कि मैं तो कहूंगा तुम जाओ उनके पास और उन्हें अपने साथ घर लेकर वापस आओ। बस उन मां बेटी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सुनो सुनो बेटा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपेक्षा से शादी कर लो। मेरी तरफ से तो हां है ही, और तुम्हें ना कहने का कोई हक नहीं। आप कैसे तय कर सकते हैं कि मेरी शादी किससे होगी? क्यों नहीं कर सकता, जब तुम बाबूजी के कहने पर कोर्ट में सबके सामने झूठी शादी कर सकते हो, तो फिर मैं तुम्हारी असली शादी क्यों नहीं करवा सकता? मेरी बात दीप्ति जी से हो चुकी है, और उनके लौटते ही पहले तुम दोनों की सगाई और फिर 15 दिन के अंदर शादी। आप मेरी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकते। फैसला हो चुका है सिद्धार्थ, और याद रखना अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं। स्टॉप इट! और कितना नीचे गिरेंगे आप? आप चाहते क्या मेरी और अपेक्षा की शादी हो जाए? कभी नहीं। जो अच्छी दोस्त नहीं बन सकी वो अच्छी वाइफ क्या बनेगी? और आप क्या भैया को बाहर निकाल रहे हैं? मैं खुद ये घर छोड़कर जा रहा हूं। एक कदम घर से बाहर हो, सीधा मैसेज जस्ट आपके मोबाइल पर। क्यों रुक गए? अरे जाओ ना। अरे जाते क्यों नहीं? भैया क्या कर रहे हो? जवान बेटा है। सिद्धार्थ बेटा सुनना, परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं ना तेरे पापा, तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर वो गुस्सा है तो तू शांत हो जा। देख मैं तेरी माँ की जगह। इनफ चाची, आपका असली चेहरा देख लिया है मैंने। आप मेरी माँ की परछाई होने लायक भी नहीं है। मैं तेरे किसी बात का बुरा नहीं मानती, तू माने ना माने, मेरे लिए जैसे शौर्य वैसे ही तू। देख बेटा समझदारी से काम कर। भाई साहब अब शांत हो जाइए, इतना फटकारना भी ठीक नहीं है। बच्चों का दिल प्यार से जीता जाता है। हाँ हाँ सिद्धार्थ, भैया जो भी कर रहे सही कर रहे हैं। अरे तुम जैसे पढ़े लिखे लड़के की शादी अपेक्षा जैसी लड़की से ही होनी चाहिए। हाँ सिद्धार्थ बेटा, तुझे मेरी कसम, चल अंदर। तुझे गुस्सा ही निकालना है ना तो अपनी चाची पे निकाल दे, लेकिन भाई साहब को नाराज मत कर। अब चल अंदर बेटा। आप भैया प्लीज मत जाइए ना। प्लीज भैया। मैं ही नहीं पहचान पाया अपने बेटा को। सुन लियो चंद्रकांता जी, गिरीश ने अपेक्षा को भी अपने हाथन की कठपुतली बना लियो है। गोपाल अब तो खुलेंगी ना आंखें दत्तू के पोते की। बेटा शुभम तू घर जा, गिरीश को तो घर से निकालने का अधिकार ना है। दादो जहां आप दोनों हैं वही मेरा घर है। बहुत सैली नफरत, अब और नहीं। वो माने या ना माने पर तू मेरा बड़ा पोता है। गोपाल जी सब देख रहे हैं, वो न्याय करेंगे बेटा। देखा दद्दू, गोपाल ने एक और पार्टनर भेज दिया, तो हाथ और जुड़ गए। मिठाई ये हाथ भी हलवाई के, इनमें तुम्हारे जितना हुनर ना सही, पर कभी काम से थके नहीं ये हाथ। दादू के वर्कशॉप का तजुर्बा भी अब काम आएगा। तो अब जब हो गए साथ तो मिलाइए हाथ। मेरा एक पोता तो आ ही गया है, अब दूसरा भी आ ही जाएगा। दद्दू के बिना वो नहीं रह पाएगा बघर में। दद्दू के पोते पहले बिजनेस की पढ़ाई करेंगे,
फिर हमारी परीक्षा लेंगे तब आके जुड़ेंगे। आइए बाकी बातें बाद में, पहले ये बताओ कि कमाई कितनी भाई। दादू डिलीवरी बॉय शुभम की तरफ से ये 10,000 और यंग मैन हरिमोहन चौबे डिलीवरी वाले की तरफ से ये 8,000 रुपया और ये हम दोनों की तरफ से 5,000। वाह। और सबसे ऊपर है मुन्नी की डिलीवरी 12,000। अरे वाह, चल मिठाई अब हरिमोहन चौबे को हिसाब दे। हाँ पैतीस हजार है ना दादू के बड़े पोते? नहीं 35,340। और बेटा वो का कहो स्टार्टअप, तो मिठाई को स्टार्टअप तो पहले दिन से ही चल पड़ो। वाह तो तू ये लीजिए, पहली कमाई आप गोपाल के चरणों में रख के आपकी जो लागत है उसको आप फिर से इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि दादी कहती है कि आपका पैसा बहुत फलता है। शाबाश बेटा। जा दुनिया में दो बड़े दामोदर और दाम, और दामोदर ठाड़े रहे दाम करें सब काम। जय बंसीवारे की, जय गोपाल, जय गोपाल। दादो दादी आप सबसे माफी चाहता हूँ, मैं गुस्से की ये कीमत चुकानी पड़ेगी, नहीं सोचा था मैंने। और यू डिस्गस्टिंग नॉनसेंस स्टूपिड मिठाई, I'm sorry. मिठाई की तरफ से हमको दद्दू के पोते। अगर आपने ये चैलेंज नहीं दिया होता तो मेरा ये तरीका सोच ही नहीं पाती। ये आपकी चुनौती का ही कमाल है कि रोज 500 कमाने वाली मिठाई एक दिन में ही 35,000 का क्या कहते हैं, हाँ 35,000 का टर्नओवर कर डाला। तुम ना अजीब लड़की हो, कोई तुम्हें डिमोटिवेट करे कोई तुम्हारी हिम्मत तोड़े तुम उसमें भी रास्ता ढूंढ लेती हो। मेरी गलती है, तुम तब भी मेरी तारीफ कर रही हो, ये कोई नया तरीका है क्या मुझे नीचा दिखाने का? आप मिठाई की हर बात को टेढ़े तरीके से क्यों समझते हैं? तुम काम ही टेढ़े टेढ़े करती हो। अरे पर आज तो दिल से सीधा सच्चा काम को बोला ना मिठाई ने। दादू गलती हो गई मुझसे, आपके बड़े बेटे मुझे पपेट की तरह नचा रहे हैं एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड कि अपेक्षा भी उनसे मिली हुई है। माफ कर दीजिएगा मुझे। मिठाई तुमने मुझे ऑफर दिया था कि मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बन जाऊं, राइट? मुझे वो ऑफर मंजूर है।